शादी की सालगिरह मुबारक हो। रात के 12 बजे मैंने उसे जगाकर मुस्कुराते हुए मुबारकबाद दी। उसने पहले अजीब नजरों से मुझे देखा, फिर मुस्कुराते हुए मुबारकबाद वसूल की और आंखें मूंदे लेटा रहा। मेरे लिए उसका ये अंदाज नया नहीं था। उस एक साल में उसने बहुत कम दफा अपनी मोहब्बत का इजहार किया था। ऐसा नहीं था कि वो इजहार के मामले में कंजूस है। हाँ, वो जुबान से इजहार के मामले में बहुत कंजूस है। वो मोहब्बत का इजहार अपने अमल से करता है। वो मेरा ख्याल रखता है, मेरी ख्वाहिशात का एहतराम करता है, हर मामले में मेरी राय लेता है और कोई भी फैसला बाहमी मशवरे के बगैर नहीं लेता। सबसे बढ़कर वो मेरी इज्जत करता है। हाँ, मोहब्बत का इजहार वो तब करता है जब वो एक बेइख्तियारी गिरफ्त में होता है या जब कोई खूबसूरत लम्हा उसे अच्छा लगता है, तब वो मोहब्बत का इजहार करता है। और उसका ये कभी कभी मोहब्बत का इजहार करना रोज़ रोज़ के इजहार के मुकाबले में मोहब्बत की कदर को ज़्यादा बढ़ा देता है। आज उसे विश करने के बाद मैंने एक गिफ्ट पैक उसके सामने रख दिया और कंधे से हिलाकर उसे गिफ्ट की तरफ मतवज्जा किया। उसने हैरत से मुझे देखा और फिर टेक लगाकर बैठने के बाद गिफ्ट खोलने लगा। मैं उसके ऐन सामने बैठ गई। एक बड़े फ्रेम में हमारी शादी की तस्वीर मौजूद थी। तस्वीर में मौजूद वो लम्हा इतना मुकम्मल था कि वो उन लम्हों में खो गया। तुम्हारी जिंदगी का सबसे खूबसूरत लम्हा कौन सा है? मैंने तस्वीर की जानिब देखे हुए उससे सवाल किया। वो बोला, जब पहली बार तुमने मेरी अमामत में अपनी फज्र की नमाज पढ़ी थी। जानती हो मेरा दिल क्या चाह रहा था? कि ये नमाज कभी ख़त्म ना हो। सूरत रहमान पढ़ते हुए उन लम्हों में मेरा दिल हकीकत में मुझसे कह रहा था, और तुम अपने रब की कौन कौन सी नेमतों को झुठलाओगे। मेरे लिए इससे खूबसूरत इजहार कोई ना था। उसने तस्वीर एक तरफ रख कर मेरे दोनों हाथ थाम लिए और मोहब्बत और अपनायत से भरपूर लहजे में बोला, मोहब्बत से भरपूर एक महरम और शरीर जिंदगी का एक कामयाब साल बहुत बहुत मुबारक हो। बोलो, क्या तोहफा चाहिए तुम्हें आज? मैंने अपने मजाजी खुदा को देखा और बोली, कुछ नहीं चाहिए मुझे, बस आज फिर तुम्हारी अमामत में तहज्जुद की नमाज पढ़नी है। बस यही मेरा तोहफा है और कुछ नहीं। वो कुछ लम्हे बिना पलक झपके मुझे देखता रहा, फिर उसने ज़रा आगे झुककर मेरी पेशानी पर शरीर रिश्ते से मुझे बोसा दिया और वजू करने उठ खड़ा हुआ, जबकि दिल मेरा बेख्तियार कह उठा, तुम अपने रब की कौन कौन सी नेमतों को झुटलाओगे।